नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। तुम चोर में डाकू। मैं लेने नहीं, देने आया हूँ। देने? हाँ, तुम एकनाथ की चीज भागवत को चुराने आए थे, मैं उसे ले आया हूँ। ये लो भागवत। इतनी बड़ी हम लोग जाया कार्य न हो पर अपना शहर रखे निवास चक्कर लेकर और फिर भी हम भागवत ले आए। ये ना अपना पुरस्कार। आखिर एकनाथ की भागवत हमारे हाथ में आई। अब हम इसके चुनावी में फंस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपसे सच कहता हूँ कि मैं जल्द ही आपकी कौड़ी कौड़ी चुका लूंगा। देखो ये बात तो तू कई बार पहले भी कह चुका है, लेकिन अब तुम्हारा कोई भाड़ा नहीं चलेगा। दया कीजिए, थोड़े दिन के लिए और समय दीजिए। सेठ जी, हम पर नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर इन पर ही दया कीजिए। अरे तेरे बच्चों से तो मुझे ज्यादा अपने खना खन का ख्याल है। मंगल, क्या तू देखते क्या हो? उठो बर्तन बर्तन जी। रानू, अपनी बच्ची को समझा ले, इसे एक नाथ की भक्ति की हवा क्या लग गई, सबसे टकराती फिर रही। तेरी माँ ने तेरी शादी की लड़की है बेटी। लेकिन बापू, मेरी शादी जब होगी तब होगी, उससे पहले काका की बर्बादी हो जाएगी। बाबा ने कहा है परोपकार से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। ले अपने पैसे। अरे देख क्या रहा है, ईमानदारी की कमाई है, बेईमानी की नहीं। चलो। रानू भैया, तुम्हारी शोभा तो साक्षात देवी है। जागिए जगदाधिराज, पंछी गण बोले। प्रेम के सुर गूंज रहे, धरती गगन डोले। जागिए जगदाधिराज, जागिए। अतिराज दया करो, हम गरीबों की रक्षा करो। क्या बात है भाई, इतना क्यों घबरा रहे हो? भक्तराज, आसपास के गांव में भयानक बीमारी फैल गई है। ये लोग काल के घिराट बन गए। भक्तराज, यही हाल रहा था, सारा गांव उधर जाएगा। हमारी रक्षा करो भक्तराज, हमारी रक्षा करो। रक्षा करने वाले तो भगवान है। चलो भाई। स्वामी, मैं भी साथ चलूंगी। तुम? हाँ स्वामी, मैं भी सबकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन दादाजी की आज्ञा के बिना। मेरी आज्ञा है बेटा, सेवा की मशाल लेकर साथ चलो, सफल बनो, यही मेरी कामना है। हर प्राणी में परमेश्वर को जिसने सदा निहारा। Thank you.
चाहे देखो जल में, चाहे देखो थल में, चाहे नीलम गगन में निहारा। भगवान समाए संसार में, भगवान समाए संसार में, भगवान समाए संसार में। गिरिजा गोविंद, आपको तो बहुत बुखार है। तुम्हारा तुम्हारा शरीर भी तो आग की तरह जल रहा है। स्वामी, हे भगवान, हे भगवान, अब गरीबों की सेवा हम कैसे करेंगे प्रभु, हम स्वामी कैसे करेंगे। एकनाथ और गिरजा दोनों ही दूसरों की सेवा करते करते बुखार में बेसुध हो गए। हाँ स्वामी। इन्होंने दूसरों की सेवा की, आओ हम इनकी सेवा करें। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप लोग कौन हैं? मैं श्रीखंडिया हूँ, छेरपुर का रहने वाला, और ये मेरी पत्नी लक्ष्मणी। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जैसे दयालु। गिरजा, हाँ, इनका हाथ लगते ही सारा बुखार चला गया। हाँ स्वामी, मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये तो कुछ है। भक्तराज, भक्तराज, हम आपके पास जा रहे थे भक्तराज। गांव से सारी बीमारी चले गए। क्या कहते हो? हम सच कहते हैं भक्तराज, गांव में कोई बीमार नहीं रहा। स्वामी, गिरजा, गिरजा, ये मेरे प्रभु की कृपा है। हाँ स्वामी, कृपा नहीं लीला है। प्रभु की नहीं भक्त की लीला है। भक्तराज, अगर आप आज्ञा दें तो हम दोनों आपके पास कुछ दिन रहकर। घनश्याम की इच्छा। भक्तराज की जय, भक्तराज की जय, भक्तराज की जय। क्षीर सागर छोड़कर माता यहाँ जल भर रही हैं और प्रभु लकड़ियां काट रहे हैं। नारद जी, भक्त की सेवा बड़ी भाग्य से मिलती है। हम भक्तन के भक्त हमारे, आइए आप भी थोड़ा धर्म कर्म कर लीजिए। नारायण नारायण। श्रीखंडिया जी, लक्ष्मीनिया बहन, भक्तराज आ गए। बस बस रहने दो भाई, कभी तो आराम कर लिया करो। भक्तराज, इनके लिए आराम हराम है। आप ये भी हमारे गांव के हैं, इनके प्रेमी, इनके लिए भी आराम हराम है। लीजिए और शुरू हो जाइए। जैसी आप लोगों की इच्छा। अच्छा, हम लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके आते हैं। प्रभु, आप तो भक्तों का काम करते जाइए। थामिए इसे, थामिए। मैं तो चला। नारायण नारायण नारायण। नहीं, ये भगवान की लीला नहीं, ये उस पाखंडी का पाखंड है, जादू है। घबराइए नहीं गुरुदेव, हीरे को हीरा काटता है। उस जादूगर से जादूगरनी टकराएगी। कौन है वो? ओ, कामिनी। कामिनी नहीं, दामिनी गुरुदेव। जिस तरह मेनका के सामने विश्वामित्र का तपोबल समाप्त हो गया था, उसी तरह मेरे रूप के आग में एकनाथ का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब जलकर भस्म हो जाएगी। जीती रहो कामिनी, हमें ये विश्वास हो गया है कि तुम ये काम पूरा करके रहोगी। जाओ। जाओ।
बीमारी का बहाना करके बत्तराज को यहाँ बुलाया, इन्हें धोखा दिया, अपनी वासना की मदिरा से इनकी भक्ति की गंगा को गंदा करना चाहा, अपनी रोग की आग से इन्हें जलाने की कोशिश की, मगर अपने आप तुम खुद जल गए बेटी। बत्तराज, मेरी बेटी का अपराध क्षमा कर दीजिए, इसकी कही हुई पानी वापस ला दीजिए, दया कीजिए बत्तराज, दया कीजिए। दया के अवतार तो मेरे प्रभु है, किंतु आज तक तुमने जिस मुंह से वासना के गीत गाए, अब उसी मुंह से प्रभु के गुण गाओ, उन्हीं का नाम लो, कहो गोविंद गोविंद गोविंद, हाँ गोविंद, हाँ बोलो गोविंद, बोलो, हाँ बोलो बोलो गोविंद 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 गोविंद
बोलो गोविंद 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 भगवान मेरी बार बार पराजय हो रही है आप फिर भी चुपचाप देख रहे हैं क्या मेरी पूजा पाठ और भक्ति का यही परिणाम है भगवान महंत जी क्यों परिणाम के चक्कर में पड़े हुए हैं ये सब आपकी समझ का फेर है मंदिर में आकर हमें शिक्षा देने वाले कौन हो तुम मैं तो भक्त एकनाथ की भक्ति का प्रेमी हूँ सुना था यहाँ आप जैसे विद्वान भी हैं इसीलिए आपके दर्शन के लिए चला आया लेकिन आपका मन तो पूरा कागज निकला पूरा कागज हाँ महंत बने हो लेकिन मोहकांत नहीं भक्ति करते हो लेकिन भक्ति का रंग नहीं जो स्वयं को न पहचाने वो स्वयं में रहने वाले को कैसे पहचानेगा अरे हम सब पहचानते हैं चल निकल जाए यहां से निकाल जाने कहां से ऐसे ऐसे लोग भगवान के मंदिर में चले आते हैं बड़ा आया एक नाथ की भक्ति का प्रेमी हाँ गोपीनाथ जी शंभुनाथ जी शीघ्र बताइए एक नाथ को नीचा दिखाने का क्या उपाय आज एक नाथ के घर में श्राद्ध है लक्ष्मी ना बहन हाँ बहन गिरजा तुम उठो बहन तुम्हें कष्ट हो रहा है मैं बना दूंगी इन्हें और कष्ट इन्हें तो पहले से ही काम करने की आदत है चलो जल्दी करो बहन तुम बाहर जाओ बाहर की तैयारी करो मैं यहाँ सब ठीक कर लूंगा तुम जाओ जैसे आपकी इच्छा मैं कहती हूँ आपके चक्कर में पड़ के तो मैं भी चक्कर में आ गई नारायण नारायण माता जी ये अपने प्रभु है ना इनका चक्कर ही कुछ ऐसा है नारद जी अब आप ही चक्कर से निकलने का कोई उपाय बताइए माता जी अब तो आप अपनी ही लीला दिखलाइए नारायण 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 बस एक नाथ को नीचा दिखाने का यही उपाय पक्ष में अगर हमारे पितरों को भोजन न मिला तो हमें बड़ा पाप लगेगा बेटा पाप दया करो भक्तराज दादाजी अब हमें पाप नहीं पुण्य मिलेगा हम इन्हीं गरीबों को भोजन कराएंगे दादाजी ये क्या कह रहे हो तुम ब्राह्मणों की जगह कंगाल और दरिद्र दादाजी दरिद्र नारायण में ही भगवान श्री नारायण निवास करते हैं भक्तराज में क्या बात है दरिद्र नारायण और नारायण 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 आओ भाइयों चलकर भोजन करो चलो तो भगवान श्री विष्णु की आप लोग भोजन शुरू कीजिए भगवान अगर मैंने सच्चे मन से छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं माना है तो इन्हीं के रूप में मेरे पितृ हरे भगवान दया करो प्रभु दया करो प्रभु चमत्कार चलो गुरुजी को बताएं अरे इधर नहीं इधर गुरुदेव गुरुदेव गौर कलयुग अनर्थ हो गया क्या अनर्थ हो गया एक नाथ ने श्राप का भोजन अछूतों को खिला दिया एकनाथ ने तुम्हें भोजन कराया इसलिए उसकी जय जयकार कर रहे हो महंत जी जय जयकार उसी की होती है जो इस लायक होता है एकनाथ जी मनुष्य नहीं देवता है देवता केवल कहने के लिए उसने तुम्हें रूखा सूखा खाना क्या खिला दिया
कि तुम्हारे लिए वो देवता बन गया। सत्य है, हम कहते हैं वो देवता के रूप में बहरूपिया है। चुप रहो। जो एकनाथ तुम्हें अपने घर बुलाकर भोजन खिला सकता है, क्या वह स्वयं तुम्हारे घर जाकर भोजन कर सकता है? चुप क्यों हो गए? बोलो, क्या वो ब्राह्मण तुका मुकुट पहनकर तुम्हारे घर भोजन कर सकता है? जवाब दो। ये क्या जवाब देंगे गुरुदेव, एकनाथ ने जो भी कुछ किया वो सब दिखावा था। बिल्कुल दिखावा था, वो तो पाखंड का अवतार है। चुप रहो, भगवान की भक्त की हंसी उड़ाते हुए आप सबको लाज नहीं आती? बेटी शोमा, रानू अपनी लड़की से कह दो कि वो सीमा से आगे न बढ़े। सीमा से आगे बढ़कर तो आपने भगवान के परम भक्त को ललकारा है। शोभा, मेरे बाबा इतने महान है, इतने महान है, हमारी जाति वालों के किसी भी घर में वे भोजन कर सकते हैं। ये सब कहने की बात है। कहने की नहीं, करके दिखाने की बात है। क्या तू करके दिखा सकती है? हाँ दिखा सकती हूँ, मैं भगवान को साक्षी मान कर कहती हूँ, कल ही मेरे बाबा मेरे घर भोजन करने आएंगे। देखिए ये तुमने क्या कह दिया। पिताजी, सच्चाई की अमर ज्योत जल कर रहेगी, मैं भी बाबा को खाने के लिए कहने जाती हूँ। शोभा, मेरे प्रभु आपकी दया से आज का ये धर्म कार्य पूर्ण। किंतु स्वामी, धर्म के ठेकेदार आपके इस धर्म कार्य को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती? हाँ, वे कहते हैं आप हरिजनों को अपने घर बुलाकर भोजन खिला सकते हैं, लेकिन उनके घर जाकर स्वयं भोजन नहीं कर सकते। लेकिन बाबा, मैंने तो उनसे कह दिया कि आप मेरे घर भोजन जरूर करोगे। शोभा, बाबा आप मुझ गरीब की झोपड़ी में आओगे ना? बोलो बाबा, आओगे ना? शोभा, ऐसा ना कहो, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे हाथों से ही भोजन करूंगा। बाबा, शोभा, बाबा ने मेरी बात मान ली, बाबा ने मेरी बात मान ली, बाबा ने मेरी बात मान ली। Thank you.
तीर्थ बन जाएगा मेरा आंगना, तीर्थ बन जाएगा मेरा आंगना। आज पापा आएंगे, देव की गंगा लाएंगे, हम पावन हो जाएंगे, तीर्थ बन जाएगा मेरा आंगना, तीर्थ बन जाएगा मेरा आंगना, तीर्थ बन बाबा। आप आ गए, आपने मेरा मान रख लिया। आज आज हमारा घर पवित्र हो गया। आइए प्रभु, आइए आइए, बिराजी प्रभु। बैठिए बाबा। हाँ बैठिए बिराजी। शोभा जा बेटा, भोजन ले। अभी ले बापू। जा जा प्रभु, शोभा ने आज अपने हाथ से आपके लिए भोजन बनाया है। शोभा बहुत अच्छी लड़की है। बाबा हम बहुत गरीब हैं, जो रुका सुका बन पड़ा वो आपके सेवा में है। खाइए ना बाबा। ये तो बहुत अच्छा खाना है बेटी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाओ बेटी। नहीं पहले बाबा, पीछे बेटी। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शेमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।